हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेनियम ट्यूटोरियल। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कभी भी अगर एलिमेंट लोड होने में डिले हो जाता है तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी तक जो हम हैंडल कर रहे थे वो हम सिंपल थ्रेड डॉट स्लीप यूज कर रहे थे, बट वो एक हार्ड कोडेड स्लीप है जिसको हम बेस्ट वे नहीं कह सकते किसी भी एलिमेंट को वेट करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे उस एलिमेंट के ऊपर या कैसे हम वेट लगा सकते हैं ताकि हम बेस्ट वे से उस एलिमेंट को लोड होने का टाइम दें। तो पहले हम बात करेंगे इम्प्लिसिट वेट की। लेट्स से हम क्लास बनाते हैं, तो इससे पहले हम स्टार्ट करें इम्प्लिसिट वेट को। मैं बता देता हूँ आपको कि कितने टाइप के वेट्स होते हैं। तो पहला वेट, जैसे हम इम्प्लिसिट वेट की बात कर रहे हैं, ये वेट बेसिकली एक टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने से पहले। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर पहले हम एक मेन मेथड डिफाइन करते हैं, ड्राइवर्स को इनिशियलाइज करा, एक यूआरएल पे जाते हैं, लेट्स से अभी के लिए हम rediff.com डालते हैं, क्रोम ड्राइवर को इंपोर्ट किया। अब यहां पर जब मैं ड्राइवर डॉट फाइंड बाय एलिमेंट करूंगा, लेट्स से बाय आईडी कुछ भी एक्स वाई जेड आईडी होगी, तो यहां पर ये खोलते ही सीधा उस एलिमेंट पे जाएगा। लेकिन अगर मैं इम्प्लिसिट वेट कर सकता हूं, उसको हम कैसे करते हैं, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिट वेट, अब यहां पर कितने टाइम के लिए वेट करना है, लेट्स से 1 मिनट के लिए। टाइम यूनिट कितना है, 1 मिनट। तो यहां पर मैंने कहा कि इसको 1 मिनट के लिए वेट करो, तो कभी भी जब मैं ये एलिमेंट को फाइंड करूंगा तो वो 1 मिनट के लिए वेट करेगा, ये इम्प्लिसिट वेट हो गया। तो चाहे मैं इसको स्टार्टिंग में लिखूं, चाहे कहीं भी लिखूं, उसके बाद से जब भी ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा तब वो 1 मिनट के लिए या जो भी टाइम मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा उतनी देर के लिए वेट करेगा। ये हमारा इम्प्लिसिट वेट। इसको हम करके देखते हैं। मोजिला खोलेंगे, rediff.com पे गया, रेडिफ मेल उठाया, यहां पर मैंने इसका टेक्स्ट सर्च कर लिया, 100 को एक्सपाथ दिया और यहां पर वैल्यू प्रोवाइड कर दी, और इसके बाद मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। rediff.com खुला, वो उतने पीरियड के लिए वेट करेगा और उसके बाद क्लिक करेगा। लेकिन अगर यहां पर आपने देखा होगा ये 1 मिनट से पहले हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि अगर यहां पर उसे मिल जाएगा तो यहां पर वो उसे वेट नहीं करेगा। मैक्सिमम टाइम आउट है 1 मिनट का, अगर वो तब तक नहीं मिलता तो वो 1 मिनट तक वेट करेगा। लेट्स से मैं इसको सेकेंड्स में, सॉरी चलो आवर्स में देते हैं, 1 आवर हो गया। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है, इसको भी क्लोज करेंगे, कि ये 1 आवर तक वेट करेगा,
इसका मतलब बस ये है कि इसका टाइम आउट 1 आवर का है। अब यहां पर इसने इसको चलाया, अब वो पेज लोड होने तक तो जो डिफॉल्ट टाइम है वो ही चल रहा है, अभी तक हमारा इम्प्लिसिट टाइम शुरू नहीं हुआ, और जैसे ही उसे लोड होने के बाद मिल गया उसने क्लिक कर दिया। ये नहीं है कि वो तब तक ढूंढता रहेगा। अब लेट्स से मैं इसको फिर से मिनट कर देता हूं और rediff1.com पे जाते हैं, जो कोई भी एक वेबसाइट नहीं है। अब ये यहाँ लोड हो रहा है, तो ये किसी और पेज पे चला गया, अभी इसने कोई सर्च उठा लिया। अब ये लोड हो चुका है। अब लेकिन अब ये जो टाइम आउट आएगा वो 1 मिनट के बाद आएगा। ये जो एरर आएगा वो दिखेगा कि 1 मिनट तक वेट करने के बाद ढूंढेगा, अगर उसे नहीं मिलेगा ये वाला एलिमेंट, जो कि यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि हम गलत वेबसाइट पे गए हैं, तो वो 1 मिनट बाद एक एरर दे देगा, नो सच एलिमेंट फाउंड, ऐसे करके एक एक्सेप्शन आ जाएगी। तो आप जो इम्प्लिसिट टाइम आउट है कभी भी लगाएंगे तो वो जो टाइम आउट होगा वो हमेशा उस पीरियड के बाद होगा, और वो हर वेब एलिमेंट पे अप्लाई होगा। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने एक वेब एलिमेंट को कह दिया कि आपने मुझे इतना टाइम आउट देना है, तो उसके नीचे मैं कभी भी लिखूंगा तो वो उतना वेट देगा। देखिए एक्सेप्शन आ गया, ये 1 मिनट के बाद आया है क्योंकि 1 मिनट के बाद टाइम आउट हो गया। तो इसके बाद अगर मैं यहां पर भी कुछ और लिखूंगा अगेन, तो यहां पर भी मेरा 1 मिनट का टाइम एक्सेप्शन आएगा, 1 मिनट के बाद एक्सेप्शन आएगा। तो ये इम्प्लिसिट वेट आगे हर एलिमेंट फाइंड करने पे अप्लाई होता है। तो ऐसे हम करेंगे इम्प्लिसिट वेट को अप्लाई, और उसके बाद किसी भी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया यहाँ पर टाइम यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, पर ये एक हार्ड कोटेड टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि ये टाइम आउट वैल्यू है। ये नहीं है कि 1 मिनट आपने कह दिया तो 1 मिनट वेट करेगा, जबकि जब हम थ्रेड्स डॉट स्लीप देते हैं, लेट्स से मैंने इसको हटा के थ्रेड डॉट स्लीप दे दिया, यहां पर मैं 10 सेकंड का थ्रेड डॉट स्लीप दे रहा हूं, ट्राई कैच में डाला, रेडिफ डॉट कॉम को सही किया। पहले हमने क्या देखा था कि जैसे ही हमें एलिमेंट मिल जाता था तो वो वेट नहीं करता था और वो क्लिक कर देता था, लेकिन यहां पर वो उसका वेट करेगा। तो अभी ये पेज लोड हो रहा है, अभी हमारे टाइम आउट थ्रेड डॉट स्लीप का वैल्यू स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब ये 10 सेकेंड पर्टिकुलर वेट करेगा, जबकि इम्प्लिसिट टाइम आउट में उसने तुरंत क्लिक कर दिया था क्योंकि वहां पर उसे टाइम आउट वैल्यू थी। तो 10 सेकेंड के बाद इसने अब क्लिक किया है, क्योंकि ये थ्रेड डॉट स्लीप में वो वैल्यू हार्ड कोडेड होती है, ना कि वो टाइम आउट वैल्यू होती है। और बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड डॉट स्लीप में होता है वो मिली सेकेंड में होता है, तो आप इसको सेकेंड्स या किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इम्प्लिसिट टाइम आउट में है, आपको टाइम यूनिट दिया गया है, आप कुछ भी टाइम यूनिट दे सकते हैं। ये भी एक और बेनिफिट है इम्प्लिसिट टाइम आउट का। तो आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सप्लिसिट या फ्लोट टाइम आउट्स को यूज करते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।